गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। बच्चों, मैं आपकी इंग्लिश बुक स्टार्टिंग इंग्लिश से आज आपको चैप्टर 11 पढ़ाऊंगी। चैप्टर 11 है एक्शन प्लस एस। इसमें एक्शन के बारे में दिया गया है, बच्चा क्या एक्टिविटी कर रहा है, और उसमें एस लगा के बताया गया है। इसमें एक बच्चे के बारे में बताया गया है जिसका नाम है रवि, और उसमें क्या क्या अच्छी आदतें हैं इसके बारे में बताया जा रहा है। फर्स्ट है, रवि इज अ गुड बॉय। रवि एक अच्छा लड़का है। ही हैज गुड हैबिट्स, उसमें बहुत सी अच्छी आदतें हैं। ही गेट्स अप अर्ली, वो सुबह जल्दी उठता है। देन ही ब्रशेस हिज टीथ, उसके बाद वो अपने दांतों को ब्रश करता है, साफ करता है। ही टेक्स अ बाथ, वो नहाता है। ही कॉम हिज हेयर, और अपने बालों में कंघी करता है। ही ईट्स एन एप्पल, वो एप्पल खाता है। ही ड्रिंक्स मिल्क, और दूध पीता है। देन ही गोस टू स्कूल, तब वह अपने स्कूल जाता है। यानी कि देखिए क्या क्या कुछ अच्छी आदतें हैं। एक तो सुबह जल्दी उठता है, सुबह जल्दी उठ के अपने दांतों में टीथ में ब्रश करता है, फिर नहाता है, बालों में कंघा करता है, और एप्पल खाता है, फिर दूध पीता है वो, और उसके बाद स्कूल जाता है। ऐसा ही आप सब भी करते होंगे, सुबह जल्दी उठ के ब्रश करना, नहाना, बालों में कंघा करना, अच्छे से बाल अपने बनाना, फिर कुछ ना कुछ आप ब्रेकफास्ट भी करते होंगे, सुबह को दूध भी पीते हैं, तब आप स्कूल अपने जाते होंगे। फिर है, ही ईट्स राइस एंड दाल, वो राइस माने क्या होता है, चावल। वह चावल और दाल खाता है। ही ईट्स रोटी एंड वेजिटेबल्स, और ही ईट्स वह रोटी और सब्जियां, वेजिटेबल्स माने सब्जियां, वो रोटी और सब्जियां भी खाता है। ही इज अ हेल्दी बॉय, वह एक स्वस्थ लड़का है। जब आप दूध पिएंगे, फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, तो आप एक हेल्दी बच्चे होते हैं, स्वस्थ होते हैं। तो ये सब अच्छी आदतें हैं बच्चों, आपको ऐसा ही बनना है। सुबह जल्दी उठना है, उठ के फ्रेश होना है, ब्रश करना है, नहाना है, फिर बाल अपने अच्छे से काटने हैं, देन ब्रेकफास्ट, फिर लंच एंड डिनर, और साथ ही साथ हमें अपने बड़ों की बातें भी माननी है, खेलना भी है, पढ़ाई भी करनी है। ये सब अच्छी आदतें होती हैं। इसको लर्न करिए, लेसन को आप, और लर्न करने के बाद इसमें गुड हैबिट्स जो हैं वो आप अपनी कॉपी में नोट्स करिए, और फिर मुझे वीडियो सेंड करिए। ओके, थैंक यू।